नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने बिहार के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में कई कदम उठाया है, लेकिन विपक्ष इसे केवल चुनावी दिखावा मानता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 9 राष्ट्रीय राजमार्ग का तोहफा दिया। 14,260 इस मद में खर्च किया जाएगा। केंद्र ने जिस कृषि बिल को आम किसानों के हित में बताया, देश का विपक्ष उस बिल को आत्मघाती बता रहा है। कांग्रेस, वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियां एवं संगठनों ने पंजाब, हरियाणा समेत देश के दूसरे भागों में बिल का विरोध शुरू कर दिया है। यहां तक कि सदस्यों ने राज्यसभा में अशोभनीय घटना को अंजाम दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के द्वारा सभापति के साथ किए गए घटना की घोर निंदा करते हुए आसन की प्रतिष्ठा का मान रखने पर बल दिया। बिहार सरकार पर फिर से तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बढ़ती बेरोजगारी इसका जीता जागता उदाहरण है। वाम दल के सदस्यों ने भी चुनावी माहौल को नई ऊर्जा देने के लिए सीटों के बंटवारे पर अधिक जोर दिया है, लेकिन अभी भी फौरी तौर पर महागठबंधन के नेताओं के बीच कोई रास्ता नहीं निकला है। राजद और माले का कृषि बिल से कोई लगाव नहीं, ये दलें बिहार में इसका विरोध कर रही है। 24 जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला कर इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया है। खबरों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण चुनाव प्रबंधन कार्य चुनौती बनकर सामने खड़ा है। इसलिए अनुमान लगाए जाने लगा है कि अभी इसकी घोषणा नहीं किया जाए, फिर से चुनाव आयोग की टीम स्थिति का जायजा लेने आ सकती है। लोकतांत्रिक जनता दल के चीफ शरद यादव की तबीयत को लेकर सभी लोग चिंतित है। इस बीच उन्हें सांस लेने की तकलीफ होने की स्थिति में वेंटिलेटर पर रखा गया है। वे दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इन दिनों अस्वस्थ हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर पासवान का हाल जाना। आज मंगलवार होने तथा सभी मंदिरों में प्रवेश खुल जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस बाबत पटना के महावीर मंदिर में आज भक्तों की भीड़ देखी गई। निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करते हुए भक्तों ने दर्शन पूजन किया। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।